गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टीच अबाउट चैप्टर उत्तर है क्लास 9th का। ठीक है बेटा, उत्तर क्या होता है? कोशिकाओं का वो समूह जिसकी उत्पत्ति और कार्य समान हो। कोशिकाओं के समूह जिसके अंदर जिसकी उत्पत्ति और कार्य समान होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उत्तर। ठीक है, उत्तक के प्रकार कितने होते हैं? उत्तक दो प्रकार के होते हैं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पादप उत्तक के नाम से पता लग रहा है, पादप ये पौधों के अंदर जो उत्तक पाए जाते हैं उनको पादप उत्तक कहते हैं। यहीं पे जंतु उत्तक क्या होते हैं? जंतु उत्तक वो होते हैं जो जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इनके नाम से ही उनको बताया गया है कि ये कहाँ पाए जाते हैं। यहीं पे पादप उत्तक के दो प्रकार होते हैं, इनकी वृद्धि या ग्रोथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्षमता होती है इसको इसी के बेस पे डिवाइड करा गया है, दो प्रकार के भागों में बांटा गया है। विभाजक उत्तक जीवन भर विभाजन की क्षमता, ये पे स्थायी उत्तक होता है उसके अंदर ये क्षमता नहीं होती, ये एक टाइम के बाद परिपक्व हो जाते हैं और विभाजन की क्षमता इनमें से खत्म हो जाती है। ये विभेदीकरण करते हैं, ये विभाजक उत्तक जो उत्तक है उनको पोजिशन के अनुसार तीन भागों में बांटा गया है, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्निष्ठ। ठीक है बेटा, ये जो पेड़ है एक, ठीक है, इसकी जो टिप होती है ऊपर वाला भाग होता है, यहीं पे अगर जड़ है, जड़ का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, यहीं पे अगर कोई पत्ती है इसका अगर कोई ऊपर वाला भाग होता है तो उसके अंदर कौन सा उत्तक प्रदेश होता? शीर्षस्थ उत्तक। ठीक है बेटा, पार्श्व उत्तक क्या करता है? पार्श्व उत्तक जो तना होता है उसकी चौड़ाई को बढ़ाता है। अंतर्निष्ठ उत्तक गन्ने के अंदर जो गांठ के बने होते हैं, एक गांठ दो गांठ, ठीक है बेटा, ये इनके बीच में कौन सा उत्तक प्रदेश होगा? अंतर्निष्ठ। आया समझ में? उसके बाद स्थायी उत्तक आता है। स्थायी उत्तक के दो प्रकार होते हैं, सरल स्थायी और जटिल स्थायी। जटिल स्थायी में जाइलम और फ्लोएम आता है। जाइलम क्या करता है बेटा? पानी को ऊपर लेके जाता है। कहाँ से? जड़ से। जड़ से पानी ऊपर जाएगा यानी कि एक डायरेक्शन में जाएगा। यहीं पे फ्लोएम होगा, पत्तियों के अंदर जो खाना बनता है ना वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है। वो कौन ले जाता है? फ्लोएम ले जाता है। जब दो खाना ऊपर भी जाएगा और जड़ों तक भी जाएगा तो ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है, तो बाई डायरेक्शन हो गया बेटा। यहीं पे सरल स्थायी उत्तक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा बेटा दोनों ही जीवित सेल होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं, ये मृत कोशिका होती है। ये मृत कोशिका होती है, तने के बाहर जो बहुत ही हार्ड लेयर होती है ना वो होती है बेटा जी, जो सबसे हार्ड परत होती है उसको हम